तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ तो पूरा गार्डर सेगमेंट द्वारा बनाया गया है, और इसके बाद नीचे आप इस तरफ आप देख रहे हैं, इधर से नीचे से भी दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में ईजी रहेगा। तो इस तरफ आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा पिलर और गार्डर द्वारा दिखाई देगा। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ फिर से एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की वीडियो बना के दिखाई है और बुलेट ट्रेन से रिलेटेड वीडियो बना के दिखाई है, आज मैं आपको पहली बार लेके आया हूँ नेशनल 48 हाईवे की वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों आज मैं अभी जो खड़ा हूँ सूरत के कड़ोदरा में खड़ा हूँ, और कड़ोदरा पे जो ब्रिज का काम चालू हो रहा है दोस्तों, नया इसको ब्रिज बनाया जा रहा है क्रॉसिंग के लिए, उसका अपडेट मैं आज आपको दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नया अपडेट है और इसकी फुल डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस तरफ जा रहा है सीधा अहमदाबाद और दिल्ली की तरफ जा रहा है, इधर मैं आपको बता दूं, और यही नया ब्रिज है जो फिलहाल इसका काम चालू है। दोस्तों मैं आपको बता दूं हाईवे और नेशनल हाईवे में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाईवे जो होते हैं जो अपने राज्य में होकर गुजरते हैं, और नेशनल हाईवे होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करते हैं। तो ये नेशनल हाईवे इसलिए कहा जाता है, देश का तीसरा सबसे लंबा ये नेशनल हाईवे है, और जो कि इसकी लंबाई की बात करूँ दोस्तों, इसकी लंबाई है 2807 किलोमीटर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सीधा आ रहा है मुंबई की तरफ से आ रहा है सीधा, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता था क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग रोड था एक बड़ा सा, तो उसी के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ तो ब्रिज को आप देख सकते हैं आगे तक, इसको ऊपर जो फ्लोरिंग का काम है वो भी कर दिया गया पूरा, और गर्डर वगैरह सब रख के पूरा फ्लोरिंग का काम भी कर दिया गया। तो मैं यहाँ से चलूँगा ऊपर तक, आपको इसका अपडेट दूंगा आगे तक का। तो यहाँ से चलता हूँ मैं आग ऊपर की तरफ, जो हम देखेंगे ऊपर कितना काम हमें देखने को मिलने वाला है। इस सामने आप देखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल या दो लाइन का ही मान लीजिए, इस पर होकर सारी गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, इसलिए यहाँ पर भी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है फिलहाल के समय में, और जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या काफ़ी सारी कम हो जाएगी दोस्तों। फिलहाल मैं आ चुका हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, जो हाईवे बन रहा है ना, हाईवे का ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर आ चुका हूँ मैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि सब गाड़ियाँ इधर होके गुजर रही हैं नीचे होके, और अभी मैं ऊपर तक चलूँगा, ऊपर का काम चल रहा है और कैसा कैसा काम चल रहा है उसका अपडेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। खास करके मैं ये अपडेट आपको दिखाने के लिए आया था, हालाँकि मैं ये कई टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था क्योंकि आपका इसका अपडेट देखोगे ये काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ क्योंकि कभी ना कभी तो आप इस रोड पर इस हाईवे पर होकर गुजरते होंगे, और आपने भी इस रोड पर होकर यात्रा की होगी दोस्तों, क्योंकि ये हाईवे ऐसा है कि जो काफ़ी लोगों को कनेक्ट करता है, काफ़ी सारे राज्यों को, 7 राज्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ये। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये दिल्ली से लेके हरियाणा एंड राजस्थान, उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उसके बाद में फिर तमिलनाडु जो चेन्नई को कनेक्ट करता है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ ये, और इस तरफ एक तरफ का काम इसका हो गया है, रोड का काम चालू है, और एक तरफ का काम अभी बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ का काम अभी चालू है, जो सारी मशीनें वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर डंपर वगैरह जो होते हैं, मसाला वगैरह ढोते हैं, और ये जेसीबी क्रेन मशीनें सब खड़ी हुई हैं यहाँ पर, जो भी फ्लोरिंग का काम पूरा कर रही हैं, और ऊपर का चारों तरफ का आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक खास बता दूँ, ये 6 लाइन का नेशनल हाईवे है, और कहीं कहीं जगह पर ये 8 लाइन का भी बना दिया गया है, क्योंकि जहाँ पर जैसे ट्रैफिक की समस्या रहती है उस जगह पर 8 लाइन का बनाया हुआ है, और ये ब्रिज जो बनेगा ना ये भी पूरा 8 लाइन का ही बन रहा है ऊपर। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके इसकी जो चौड़ाई है, खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी था ये बनना, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होने वाली है, क्योंकि नीचे ट्रैफिक में दोस्तों यहाँ पे इस पर जब ट्रैफिक लगता है तो दो तीन तीन चार चार घंटे तक ट्रैफिक लगता है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी समय बर्बाद होता है लोगों का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये अंकलेश्वर और सूरत के बीच में ये दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है नेशनल 48 पे, जो कि ये ट्रैफिक को कम करता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक आपको एक्सप्रेसवे की ज़्यादातर वीडियो दिखाई है, आज पहली बार मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ नेशनल हाईवे 48 की। तो इस तरफ है ना, अभी जो साइड की दीवारें होती हैं ना उसका काम चल रहा है, जो मेन बाउंड्रियाँ होती हैं हाईवे की, एक्सप्रेसवे की जो बाउंड्रियाँ होती हैं ना उसका काम चालू है अभी इस जगह पर। आप देख सकते हैं सारे ये सारे बड़े बड़े लोहे के सरिए वगैरह जो इसके अंदर फिलहाल यूज किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, तो ये काम कर रहे हैं भाई जी हमारे। कब तक तैयार हो जाएगा भाई बनके ये वाला? क्या भाई? कितने दिन में तैयार हो जाएगा बनके ये? हमारा 7 दिन में हो जाएगा।
अच्छा, ये 7 दिन में बनके पूरा तैयार हो जाएगा ये? और पूरा रोड कब तक चालू हो जाएगा ये? ब्रिज का है ये भी, लगभग 5-7 महीने से तो काम चालू है इसका, पूरा ब्रिज का 5-7 महीने से चालू काम है इसका, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता था, उसी समस्या को कम करने के लिए बनाया जा रहा है ये। तो आप देख सकते हैं सामने जो बाउंड्री का काम है काफ़ी ज़ोरों शोरों में चालू है। इधर अभी ये बन के रेडी हो चुका है, तो ये लोहे का इसका जो स्ट्रक्चर, इसको निकाला जा रहा है और इसके बाद फिर इसको आगे सेट किया जाएगा, फिर मसाला डाला जाए, सीमेंट का मसाला डाला जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर अभी सरिये वगैरह लगे हुए हैं, जाले वगैरह कैसे हुए हैं। तो आगे तक का अपडेट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको नीचे से इसका अपडेट दिखाऊंगा कि कितना ट्रैफिक रहता है और कितनी समस्याएं यहाँ पर आती हैं। दोस्तों जो नेशनल हाईवे 48 और इस तरफ का भी, ये सब जो मसाला वगैरह रखा है इधर अभी बनाना बाकी है, काफ़ी समय लगेगा इसको भी बनने में, लगभग 2-4 महीने, 4-1 महीने का समय और लग जाएगा इसमें। 7 महीने से इसका काम चालू होगा, क्योंकि मैं इसको 7 महीने से देख रहा हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा भी हो गया होगा, उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन 7 महीने से मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अभी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लोरिंग का काम है काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। और ये कड़ोदरा के आगे उम्मेर गांव का जो मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक रहता था, उसको समस्या को भी कम करना है, और सरकार हर वो कोशिश करती है जिससे लोगों को सुविधाएँ मिले, अच्छी से अच्छी सुविधाएँ मिले। दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गार्डन रखने के बाद में यहाँ पर फ्लोरिंग का काम भी पूरा कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है, उसको भी भर दिया जाएगा। तो थोड़ा चलेंगे आगे, आगे की तरफ आपको उस आगे का भी अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार का नेशनल हाईवेज़ का जो ब्रिज का काम किस प्रकार से चलता है। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और आपको भी पहली बार ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों ये फ्लोरिंग का काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर की साइड में, और ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह का है दोस्तों। और जो मैं आपको बता रहा था, ये क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाया गया, नीचे गाँव है, कड़ोदरा में गाँव आता है, उसके ऊपर जो ब्रिज का काम चालू है दोस्तों। और दोस्तों ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक वगैरह सब नीचे होके गुजरते थे, तो अभी फाइनली जो जिनको नीचे होके नहीं जाना है वो सभी ब्रिज के ऊपर क्रॉसिंग करेंगे दोस्तों। ये जो NH 48 हाईवे है, मैं आपको बता दूं ये दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है दोस्तों, और इसकी लंबाई 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और देख सकते हैं आगे का नज़ारा, अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा और आगे भी दिखाऊँगा कि कितना काम इसका हो चुका है, कितना बाकी है, तो मैं आपको बैक कैमरे से और इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ तो पूरा गार्डर सेगमेंट द्वारा बनाया गया है, और इसके बाद नीचे आप इस तरफ आप देख रहे हैं, इधर से नीचे से भी दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में इजी रहेगा। तो इस तरफ आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा पिलर और गार्डर द्वारा दिखाई देगा, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो खाली जो दीवारें होती हैं उसके बीच मिट्टी और मसाला वगैरह डाल के मजबूती दी गई है, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो ये सब पिलर वाला स्टार्टिंग यहाँ से होता है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ अभी आगे की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा फिलहाल कुछ समय पहले बन के तैयार हुआ है, क्योंकि ये पानी रुका रहे, पानी की तरावट बनी रहे, इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं चारों तरफ। और ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं आता, यहाँ से लेकर आगे तक पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट हुआ है, क्योंकि आगे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा, तो मैं आगे से आपको दिखाऊँगा। नीचे जाऊँगा तो मैं आपको नीचे से भी इसका काफ़ी सारा अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। तो ये उम्मेर गाँव है जिसका मैं आपको दे रहा हूँ अपडेट, कड़ोदरा से थोड़ा आगे आता है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, और वैसे कड़ोदरा में गिनती किया जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ये यहाँ पर पूरा का पूरा रेडी है, बन के ऑलरेडी है। और उस तरफ दिखाऊंगा दोस्तों, उस तरफ तो रोड भी बन चुका है, उस तरफ रोड का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है NHAI का, वो मैं आपको एक बार दिखा के लाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जगह जगह पर जो जॉइंट होते हैं ना इसके, जैसे ये पार्ट अलग हो गया और वहाँ पर जॉइंट बना हुआ उसका पार्ट अलग हो गया, अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके जो अलग अलग लेवल में बनाए जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा, वो जो फ्लोरिंग का काम तो कंप्लीट है ही, आपने देख लिया पूरा। और यहाँ पर जो NHAI का रोड का काम है, रोड का काम भी पूरा हो चुका है दोस्तों उस तरफ से, और इस तरफ जैसे कि मैंने बताया इस तरफ अभी रोड का काम चालू है। तो ऊपर दोस्तों देखो गाय वगैरह आ चुके हैं, यहाँ पर गाय बैठी हैं सुकून से, नीचे होकर रोड पूरा कम्प्लीट है ना, तो जैसे गाय आ जाती हैं ऊपर की तरफ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि मैं यहाँ से जब भरूच की तरफ जाता था ना वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसका भी अपडेट आपको दे दिया जाए, क्योंकि ये भी हमारे जो भारत का सबसे मुख्य नेशनल हाईवे है, जो भारत का तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ये देखेंगे दोस्तों सामने रोड भी, रोड पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ।
ये देखिए यहाँ पर पूरा रोड का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और इसमें देखो दोस्तों गाइस कितने सारे लेयर्स होते हैं जो भी रोड बनाया जाता है। पहला लेयर आप ये देख सकते हैं, एक दूसरा ये बना हुआ है और तीसरा लेयर एक ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तीन लेयर तो बन के रेडी हो चुके हैं और इसके बाद में भी इसके ऊपर और कई सारे लेयर्स बनाए जाएंगे, एक दो लेयर। और फिर ये हर साल तो दोस्तों रेनोवेट का काम चलता है, हर साल इस पर एक नया रोड डाला जाता है ताकि हर समय बारिश के समय थोड़ी प्रॉब्लम आती है, रोड ख़राब हो जाते हैं, तो इसे बारिश से पहले बना के रेडी कर दिया जाता है। जैसे कि मैं भी आ रहा था, लगभग 10 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ मैं इस रोड पे, तो उसके आगे भी कुछ ना कुछ नया काम चालू है रोड का, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। तो फाइनली इस लोकेशन को आप देख सकते हैं दोस्तों, और कितना इंटरेस्टिंग जी अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ गाइस। यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये बन के कम्प्लीट है, सामने आप देख सकते हैं मेरे, और इस तरफ का काम अभी जो रोड का काम था उधर का भी बाकी है। तो चलता हूँ मैं नीचे की तरफ फटाफट से, फिर आपको नीचे से इसका अपडेट दूंगा, उसके बाद फिर मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा। तो गाइस एक बार ये देख लीजिए, नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ऊपर से यहाँ पर पूरा हाईवे चालू था उस समय, इसको हाईवे को क्लोज कर दिया गया है और साइड में होकर गाड़ियाँ चालू हैं, तो फिर ये हाईवे बनाया जा रहा है, ब्रिज बनाया गया है सॉरी। तो गाइज मैं अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कंटिन्यू अपडेट दूंगा, ये वीडियो पूरा देखना और आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताना। इस पर भी आपको कुछ ना कुछ नया चेंजेस होगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ नया नया अपडेट बना के दिखाता रहूँगा। तो यहाँ से मैं अभी ऊपर से आपको पूरा अपडेट दिखा रहा था, ये वाला उम्बेर गाँव का जो लेटेस्ट अपडेट था, ब्रिज बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक रोड है जिसके लिए ब्रिज बनाया जा रहा है क्रॉसिंग के हिसाब से, वो भी मैं आपको अपडेट दिखाऊँगा दोस्तों अभी। अभी मैं जो आपको इसका अपडेट दे रहा था लेटेस्ट अपडेट, वो ऊपर की तरफ से दे रहा था, जो आप देख सकते हैं मैं ऊपर था अभी, और यहाँ से ये गांव को क्रॉसिंग करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है, यहाँ पर एक रोड है उसके लिए पीछे रोड रह गया, इसके लिए ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये गाँव के लिए एक पूरा पूरा क्रॉसिंग ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि गाँव में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, गाँव वालों को भी एक तरफ से उस तरफ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कहीं ना कहीं इस पर हादसे होते रहते थे। तो ये समस्या को देखते हुए सरकार ने ये वाला ब्रिज बनाने का निर्णय लिया था और फाइनली ब्रिज लगभग 80% पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और इस तरफ से मैंने आपको दिखाया था पूरा पूरा रोड भी बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। तो मैं अभी आ चुका हूँ दूसरे छोर पे, यानी कि जो अहमदाबाद की तरफ मैं आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरफ पूरा रोड बन के भी कम्प्लीट है और पीछे की तरफ काम चालू, तो यहाँ से पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट है। और यहाँ अभी तो इस पर जब बन जाएगा तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड वो जो जालियाँ होती है ना बैरिकेटर वाली, वो जालियाँ बनाई जाएंगी यहाँ पर, और आगे जाके इसको पूरा एक में एक कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बाकी दोस्तों अभी यहाँ पर है, यहाँ पर काम बाकी है इस जगह पर, ऊपर की तरफ पूरा नेशनल हाईवे का जो रोड का काम था वो भी पूरा कम्प्लीट था। तो दोस्तों अभी हम काफ़ी ज़्यादा आगे चल के आ चुके हैं और आपको मैंने अपडेट दिया पीछे से उस ब्रिज का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो बनाया जा रहा है। ये नेशनल हाईवे का ब्रिज है 48 का और यहाँ से कामरेज की दूरी 8 किलोमीटर है, और मैं आपको दे रहा था ये अपडेट पीछे का दिखाया मैंने आपको, और ये पूरा का पूरा ये नज़ारा इधर का दोस्तों देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया जो ये नया अपडेट था और 2807 किलोमीटर लंबा ये हाईवे था दोस्तों, और ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ।